हेलो किसान मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पैसा एंड आई टू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोंडअली का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बोंडअली के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है लाल बोंडअली, दूसरा है अमेरिकी बोंडअली, तीसरा और अंतिम प्रकार है डॉट बोंडअली। तो आपको पता चल ही गया होगा कि बोंडअली के तीन प्रकार होते हैं, इसलिए हम चरण दर चरण देखेंगे कि इन तीन प्रकार के बोंडअली को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। नंबर एक पर आता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड की मदद से आप बोंडअली के संक्रमण को रोक सकते हैं, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जो कि आपको प्रोक्लेम में मिलेगा। इसे आप 10 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव में ले। इसके बाद आता है डेल्टा मैथ्रिन 11% EC, जो आपको बॉक्सर इंसेक्टिसाइड में मिलेगा। इसे आप 15 मिली प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव में ले। इसे आप 15 मिली प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव में ले। इसके बाद लास्ट में आता है क्लोरांट्रेनिलीप्रोल 18.5%, जो आपको कोराजन इंसेक्टिसाइड में मिलेगा। इसे आप 4 मिली प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव में ले। और इसका काम है गुलाबी बॉलवर्म, बॉलवर्म, फ्रूट बोरर, लीफ फोल्डर, सटेम बोरर, वल मैगोट, ग्रीन लीफ हॉपर को नष्ट करता है। इसके बाद आता है पीली स्टिक पट्टी ट्रैप। पीली स्टिक पट्टी ट्रैप लगाना बहुत फायदेमंद होता है। इसकी मदद से हम बोंडअली की संख्या को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करती है। बोंडअली से पहले यह पतंग के रूप में होता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। यदि आप पौधों के बीच पीले रंग का स्टिक प्यांग डालेंगे तो यह बीच में चिपक जाएंगे कुछ इस तरह से। प्रति एकड़ कम से कम 8 स्टिक प्यांग होने चाहिए। इसके बाद में आता है फेरोमोन ट्रैप। ये एक प्रकार का जाल है जिसमें फीमेल लूरे के जरिए नर की को आकर्षित किया जाता है। अगर आपको लाल बोंडअली को मरना हो तो इसमें पिंक बॉलवर्म लूरे की टैबलेट लगाएं। अमेरिकन बोंडअली के लिए बॉलवर्म लूरे की टैबलेट लगाएं। इसे खेत में जमीन के स्तर से 4 फीट से 5 फीट ऊपर लगाना चाहिए। दो ट्रैप के बीच की दूरी कम से कम 40 फीट होनी चाहिए और 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ बिछाना चाहिए। आखिर में आता है पीला हलोजन लाइट। 200 वॉट या 500 वॉट लगाना है, जिसकी मदद से हम बोंडअली के पतंग को मार सकते हैं। बोंडअली के पतंगे पीले प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और अत्यधिक गर्मी से मर जाते हैं। इन 4 चीजों से आप बोंडअली पर नियंत्रण पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे।